पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कॉन्डम का नशे के लिए इस्तेमाल करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि दुर्गापुर में छात्र कॉन्डम का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्गापुर में दवा की दुकानों पर अचानक कॉन्डम की बिक्री कई गुना बढ़ गई। दावा यह है कि छात्र महंगी दारू के विकल्प के तौर पर कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहचान छुपाकर कुछ छात्रों ने भी ये बात मानी। कॉन्डम में भिजा के जल पीने से, पानी पीने से वो तो एक अच्छा नशा होता है। दवा की दुकान चलाने वाले भी बिक्री बढ़ने की वजह जानते हैं। दावा किया जा रहा है कि किसी भी फ्लेवर्ड कॉन्डम को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा जाता है। ऐसा करने से वो पानी में शराब जैसा नशा घोल देता है। इसी तरकीब का इस्तेमाल छात्र बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसके चलते कॉन्डम की जो मांग वो बढ़ गई है। इस बात की खबर स्वास्थ्य विभाग को भी है, लेकिन इसे रोकने में वो भी लाचार है। दावा किया जा रहा है कि छात्रों का ये प्रयोग उनकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि नशाखोरी का यह तरीका युवाओं के शरीर को पूरी तरह से खोखला बना सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि यह एक ऐसा नशा है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि फ्लेवर्ड कॉन्डम में फ्लेवर के लिए अरोमा का और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पानी में लंबे वक्त तक भिगोने से पानी में अल्कोहल घुलने के अलावा कुछ और गैसें भी बनती हैं। ये ऐसी गैस होंगी जो इंसान के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। ये ऐसा बर्ताव करेंगी जिसका अनुमान तक लगाना मुश्किल। इसके अलावा प्लास्टिक भी इतने वक्त तक भीगने की वजह से जानलेवा हो सकता है, पानी में कुछ कण छोड़ सकता है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि ऐसे पानी को शराब समझकर पीना ठीक ऐसा ही है जैसे फर्स्ट यूज प्लास्टिक को खा लेना। रबड़ भी है इसके साथ, और ये अगर पानी में ये घुल गई तो प्लास्टिक वाला जैसा साइड इफेक्ट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, मोदी जी ने बैन किया है, तो फर्स्ट यूज प्लास्टिक की तरह ही बिहेव करेगा।